Cause I just wanna go, go, go to the deep end. TechnoReviewww में आपका स्वागत है. आज करेंगे इंडिया के चीपेस्ट 6GB RAM with 5G वाले फोन की अनबॉक्सिंग. जी हाँ, ये है OPPO A53s 5G. वैसे ये 15,000 से इंडिया में स्टार्ट होता है, 6GB RAM 120GB स्टोरेज, और 17,000 का है 8GB RAM 120GB स्टोरेज. और इसका मैं दोस्तों गिव अवे कर रहा हूं, आप में से एक लकी विनर को ही मिलेगा. तो डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, साथ में इस पर कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, वो आप चेकआउट करिए. और ग्लीम की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट करके आप बने रहना. ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं. बॉक्स देखेंगे, जो ऑफलाइन वाले फोन होते हैं ओप्पो के, उनके बॉक्स ज्यादातर एक जैसे ही होते हैं. हमारे पास हाइयर वेरियंट आया है 8128, और इसमें पीछे जो कलर है हमारे पास लिखा है इंक ब्लैक. वैसे आपको एक और कलर इसमें देखने को मिलेगा. और सार वैल्यू की बात करें, हेड के लिए 1.128 वॉट्स पर किलोग्राम, बॉडी के लिए 1.092 वॉट्स पर किलोग्राम. जी हाँ, और ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते. इधर से भी एक कटेगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ से कटेगा. ओके, एक ही था, बस फटाफट से बाहर निकालते, देखते कि आपको क्या कुछ देते हैं वो लोग एक्स्ट्रा बॉक्स में. ऑलराइट, बाहर आ जा भाई. ओके, तो थोड़ा सा ये हैवी लग रहा है. थैंकफुली इसमें आपको बैक केस मिल रहा है, कागजात है, और सिम इजेक्टर पिन आपको मिल रहा है. बैक केस भी अच्छी क्वालिटी का है, नॉट बैड. और आते सीधा फ़ोन की तरफ, इसको रखते साइड में, देखते आपको बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है. तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं. वैसे ये आपको स्टैंडर्ड 10 वॉट चार्जर है, ये फास्ट चार्जर नहीं है, होना चाहिए था. और आपको टाइप सी केबल मिलता है बस, बाकी आपको यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता है. आते सीधा फ़ोन की तरफ, और ये बड़ा स्लिम लग रहा है, काफ़ी लाइट वेट भी लग रहा है. ये अराउंड आपको 8.4 mm की थिकनेस पर है, और 189 या 190 ग्राम्स के आसपास मिलता है. और यस दोस्तों, इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है, और ओप्पो के फ़ोन से तो उस मामले में तो क्या ही बताए. एनीवेज, ये आपको ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहा है, ग्लॉसी और ऐसा मैट जैसा भी यहाँ पर फील आ रहा है. हल्के फिंगरप्रिंट मैग्नेट इतना ज़्यादा नहीं, और कैमरे का बम भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है. और उसके साथ साथ राउंडेड एजेस है, ऊपर नीचे सब देखेंगे तो हाँ, ये भी थोड़ा अच्छा फील देता है. बाय द वे दोस्तों, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है यहाँ पर इसमें, और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ कुछ नहीं है. लेफ्ट में आपको सिम ट्रे, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की. नीचे की साइड 3.5 एम जैके माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, और एक स्पीकर है. तो मेरे ख्याल से सेकेंडरी माइक होल आपको इसमें नहीं मिलता है. जी हाँ, और स्क्रीन गार्ड पहले से यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है. तो फटाफट से यहाँ पर दोस्तों उसको बूट करते हैं, और आपको और भी जानकारी दे देते हैं. ऑल राइट, फोन को हमने बूट कर लिया, सेटअप कर दिया. इसमें चल रहा है कलर ओएस 11.1, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स. यस, अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है. और कलर ओएस 11.1 तो दोस्तों काफी फास्ट चलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है आपको कस्टमाइज करने के लिए, और मुझे ये थोड़ा बेटर लगता है. साथ में दोस्तों आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट और UFS 2.1 आपको स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, जो अच्छी बात है. और इसमें आपको रैम एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी भी मिलती है. तो 6GB वाला कितना वर्चुअल रैम लेगा वो नहीं बताया गया है, तो 8GB का मुझे पता है वो 11GB तक जा सकता है. तो हाँ, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है. बेसिकली थोड़ा फोन को आपको और वो ज़्यादा स्मूथ करके देता है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग वो थोड़ा और फास्ट हो जाता है. और इसमें जनरली हमने इसको यूज़ किया, डे टू डे लाइफ में कोई भी लैग स्टटर आपको नहीं मिलेगा. नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1, डुअल बैंड वाईफाई, 5 GHz बैंड सपोर्ट होता है, वाईफाई कॉलिंग है, डुअल 4G वोल्टी और 5G है. यस, 5G इसमें डुअल सिम 5G सपोर्ट है. साथ में पावर सेविंग वाला भी उन्होंने फीचर आपको दिया है, इंटेलिजेंटली ये स्विच करता है. और साथ में नेटवर्क के लिए उन्होंने इसको बहुत इंप्रूव किया है. फ्यूचर में जब आप 5G सिम यूज करेंगे, आपको बेटर यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी. तो उन चीज़ों का भी यहाँ पर उन्होंने ख्याल किया है. वाइडबैंड L1 आपको मिलता है, साथ में आपको उसमें कैमरा टू API वगैरह मिलता है, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है. उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करें, साइड माउंटेड है, आप देखेंगे टच करते ही खुल जाता है, फिर से बहुत फास्ट है. और फेस अनलॉक भी देख लेते हैं, देखते ही खुल जाता है. फुल वॉल्यूम, सिंगल स्पीकर नीचे की साइड. ओके, क्वाइट लाउड, एकदम भी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा लाउड है, और बेस अच्छा है. तो यस, और 3.5 mm जैक हमने टेस्ट किया, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छा था. तो स्पीकर से ठीक है, लेकिन ईयरफोन से आपको ऑडियो यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है. आते हैं दोस्तों डिस्प्ले की तरफ, 6.5 इंच की फुल HD प्लस की आपको यहाँ पर एक HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलती है. यस, ये फुल HD प्लस नहीं है, ये एक HD प्लस डिस्प्ले. वाटर ड्रॉप नॉट स्टाइल आपको डिस्प्ले मिलती है, इनफैक्ट नीचे हल्के चिन्ह भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, और 480 nits की आपको उसमें ब्राइटनेस मिलती है. वैसे दोस्तों डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, आउटडोर विजिबिलिटी भी मुझे इसकी बहुत कमाल की लगी, व्यू एंगल्स कमाल के थे, और जब वीडियोस वगैरह देख रहा था इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा था. तो जो क्वालिटी है डिस्प्ले की, नो डाउट वो बहुत अच्छी है, पता नहीं चलता है. लेकिन
HD प्लस से, तो मेरे ख्याल से फुल HD प्लस यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि 15,000 का फोन है उसके ऊपर है, तो FHD प्लस तो होना ही चाहिए था, और साथ में हाईएंड रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको HD प्लस है और 60 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। यही दो चीज मुझे उसके डिस्प्ले में ठीक नहीं लगी, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, यस इस फोन का सबसे मेन हाइलाइटिंग फीचर इसकी चिपसेट Dimensity 700 5G। ये जो चिपसेट है, हमने हाल ही में इसको टेस्ट किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग चिपसेट है, काफी बैटरी इफिशियंट है, 7 nm पर बेस्ड है, और जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो बहुत ही कमाल की है। इनफैक्ट इसकी सबसे अच्छी खासियत ये कि फोन को ज्यादा गर्म भी नहीं करता है, और साथ में जो बैटरी बैकअप मिलता है उसके थ्रू वो बहुत अच्छा मिलता है। तो जो चिपसेट यहाँ पर है दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में आपको बड़ा मजा आएगा, और बैटरी यहाँ पर आपकी बड़ी कमाल की चलेगी, और साथ में इसमें 5000mAh की बैटरी है। तो मैंने इसको यूज किया हो दोस्तों, बैटरी बैकअप मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चार्जिंग में थोड़ा वक्त लगेगा। 10W चार्जर है, ज्यादा नहीं है, 15 या 18 या 20 ऊपर नहीं है, तो 10W से थोड़ा चार्जिंग में वक्त लगेगा, लेकिन बैकअप आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करें, 13 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है आपको इसमें, प्राइमरी जो है उसमें आप मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, ओमनी विजन सेंसर आपको मिलता है यस, और उसके अलावा आपको उन्होंने नाइट मोड है और ऐसे बहुत सारे फीचर्स वगैरह दिया है कैमरे में। फिर आपको उसमें एक पोर्ट्रेट सेंसर उन्होंने दिया है, उसके बाद आपको 2 MP का कुछ मैक्रो सेंसर दिया है, और सामने 8 MP की सेल्फी है, यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, इसमें भी नाइट मोड वगैरह है, और बहुत सारे फीचर्स आपको उन्होंने यहाँ पर भी दिया है। अब कैमरा देखते हैं दोस्तों, फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ तो ठीक ठाक फोटोज आते हैं, कलर्स अच्छे लगे मुझे, और बोके शॉट्स भी मुझे कुछ कुछ जगहों पर अच्छे लगे थे, तो हाँ मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से ठीक फोटोज है। और उसके अलावा अगर सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी अच्छी है वैसे, 8 MP में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छे फोटोज निकल कर आए, शार्प है, और बोके शॉट्स भी मुझे थोड़े अच्छे लगे थे, तो सेल्फी आप यहाँ पर थोड़ी अच्छी ले सकते हैं, हालांकि डायनामिक रेंज में इशू है, लेकिन ओवरऑल सेल्फी अच्छी आती है। वीडियो देखते हैं, रियर वीडियो ठीक है, आपको अच्छे वीडियोस निकालने मिल जाते हैं, स्टेबलाइजेशन भी ठीक लगी, डायनामिक रेंज भी मुझे ठीक लगा, और सेल्फी वीडियो देखते तो वो भी मुझे ठीक लगा, अच्छे वीडियोस आते हैं लेकिन डायनामिक रेंज का यहाँ पर थोड़ा इशू है, बाकी ओवरऑल सेल्फी वीडियो भी आपको यहाँ पर ठीक मिलती है। तो फाइनल दोस्तों, मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग, मैं एक ही चीज कहता हूँ, डिस्प्ले छोड़ के ये फोन बहुत ही दमदार है। आपको Dimensity 700 मिल रहा है, 6GB की रैम है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, और साथ में आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा, और कैमरा भी ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फोन ओवरऑल अच्छा है, ऑफलाइन मार्केट के लिए ठीक है, क्योंकि ओप्पो के फोन्स जो होते हैं ए सीरीज के ज्यादातर ऑफलाइन में जाते हैं और प्रीमियम प्राइस टैग होता है, तो ये चीज मैं कहूंगा। लेकिन डिस्प्ले जो है दोस्तों, HD प्लस 60 हर्ट्ज, अगर FHD प्लस होता, थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट रहता तो मेरे ख्याल से बेटर होता था। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बाकी आप जाइए डिस्क्रिप्शन में ग्लिम की लिंक दिया, गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए, आपकी क्या राय कमेंट में जरूर से बताइए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्पार्किंग।